हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल में हम लोगों ने कुछ पहले तो देखे थे कि फॉर्मूले क्या क्या यूज हो सकते हैं, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे कि डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट या कर्ल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ और इसमें जो है कि मैं जो भी न्यूमेरिकल करवाऊँ उनको एक बार खुद आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं न्यूमेरिकल्स के इर्द गिर्द से आएंगे, यहीं से पूछा जाएगा। हो सकता है वैल्यूज ही चेंज कर दे, बाकी सेम न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते भी हैं यहाँ से, मतलब 90% चांसेस है कि न्यूमेरिकल आते ही आते हैं यहाँ से। कई बार ऐसा हो जाता है थ्योरी का क्वेश्चन पूछते नहीं, न्यूमेरिकल ही दे देता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में ये है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल उस वे के नहीं है, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल जो है प्रूव करने वाले न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ का अगर हम लोग, जैसे न्यूमेरिकल है कि किसी चीज़ का अगर हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करके उसका कर्ल कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो होता है। तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, लिख लीजिए एक बार, एक लाइन लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी अदिश क्षेत्र, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है। किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है। प्रूव दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज जीरो। क्या करना है हमारे को, ये प्रूव करना है कि किसी अगर स्केलर क्वांटिटी का आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है फाई, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर ले। तो ये लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसका अगर मैं कर्ल कैलकुलेट कर लूं, इसका कर्ल कैलकुलेट कर लूं, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कई बार तो आपको जो मैंने लाइन लिखी हुई बताई है ना, ये बोला ही नहीं जाएगा, आपको केवल ये दे देगा ऐसा। या इसी का एक दूसरा फॉर्म और होता है, इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, किसी का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो तो ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं डेल वेक्टर फाई। इसका अगर कर्ल कैलकुलेट करना हो, कर्ल किसका कैलकुलेट करना है, इसका, तो ये जीरो होना चाहिए। इसका अगर कर्ल कैलकुलेट, किसी का भी कर्ल कैलकुलेट करना हो तो डेल वेक्टर क्रॉस वो जो भी वेक्टर आता है उसका कर ले ना, तो इसका ये जीरो होगा। तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो जो स्टार्टिंग में मैंने लाइन लिखवाई वो बोला जाए, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म दे सकता है कि ये भी और ये भी। इसका मतलब यही है कि ग्रेडियंट है ये, तो ये ग्रेडियंट को बताता है ये, तो और ये ग्रेडियंट का कर्ल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कर्ल आ गया। तो अगर हम लोग किसी के ग्रेडियंट का कर्ल कैलकुलेट करते तो वो जीरो आता है, ये प्रूव करना है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन दे दे, इसको प्रूव करो, कुछ नहीं बोला जाएगा कि कर्ल का, ग्रेडियंट का कर्ल है कि क्या है, आपको खुद को समझना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये बोला जाएगा कि इसको प्रूव करो। ठीक है, चलो इसको करते हैं। आप ये सारे फॉर्म लिख सकते हो, ये सारे ही। हो सकता है वो स्टेटमेंट ही दे दे, ये दे ही ना, तो वो उससे भी आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। मतलब समझ आ रहा है? ठीक है, चलते आगे। देखिए सॉल्यूशन, अगर हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो ऐसा आएगा, फाई का ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, है ना, तो देखिए डेल वेक्टर ग्रेडियंट, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि क्या होता है डेल वेक्टर फाई, ये होता है। तो ये क्या आएगा, डेल वेक्टर में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा डेल बाय डेल एक्स, आई केप डेल बाय डेल वाई, जे केप डेल बाय डेल जेड, के केप, और ये आता है फाई। ऐसे आता है, डेल वेक्टर का वैल्यू रख दिया फाई का। हम जो चाहते हैं तो इस फाई को अंदर भी लेके जा सकते हैं, हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आएगा ये। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बाहर भी लिख सकते हैं। मैं एक बार दो स्टेप में कर देता हूँ, आप चाहे तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेप कितने हो रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता।
आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को, के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये मिल गया आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, आगे चलिए, ये ग्रेड फाई मिल गया आपको। अब मुझे इसका कर्ल कैलकुलेट करना है, इसका कर्ल चाहिए मुझे, तो कर्ल चाहिए, तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, ग्रेड फाई ये इसका कर्ल चाहिए मुझे, तो ग्रेड फाई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, डेल वेक्टर ये यहाँ पे आ जाएगा और ग्रेड फाई का वैल्यू, ग्रेड फाई का वैल्यू ये है, तो मुझे इसका आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड, ये है। एक तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, एक सेकेंड, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना डेल वेक्टर का और इसका, तो डेल वेक्टर तो आप जानते हो क्या है, डेल वेक्टर तो आप जानते हो, डेल वेक्टर क्या होता है, आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, ये तो ये है डेल वेक्टर, है ना, क्रॉस ये चीज, तो ये है इसको लिख देता हूं आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड, ये आ गया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेथड से कर देते हैं, आई केप जे केप के केप, यहां पर इसमें आएगा आई केप वाला है डेल बाई डेल एक्स, ये तो करना आता होगा, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, इसमें देखिए डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड, ये है कर्ल आ गया ग्रेडियंट फाई का। इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें देखिए पहला जो टर्म आएगा आई कैप में, इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फाई का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में है फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डेल फाई बाई पहले सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में है फिर वाई के रिस्पेक्ट में होगा, माइनस ये यहां पे पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड के रिस्पेक्ट में होगा, ये पहला टर्म है माइनस जे केप, क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज तो पता है ना, दूसरा टर्म लिखते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस ऐसे चलता जाता है, मैट्रिक्स को थोड़ा सोल्व तो करना आता होगा, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को, तो देखो जे केप में क्या आएगा, ये हट गया ये हट गया, ये इसके साथ में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, तो डेल बाई डेल एक्स किसका होगा, इसका डेल फाई बाई डेल जेड का, ठीक है, माइनस इसका इसके साथ में, तो डेल बाई डेल जेड होगा डेल फाई बाई डेल एक्स का, ठीक है। थर्ड टर्म और आएगा के केप वाला, प्लस के केप वाला जो टर्म आएगा वो आएगा ये इसके साथ में, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा किसका, डेल फाई बाई डेल वाई का, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा डेल फाई बाई डेल एक्स का, ये ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ आई। अब देखिए इसमें इसमें ये होगा आई केप, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको ये दो बार डिफरेंशिएशन है ना फाई का, तो डेल टू फाई पहले जेड के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसमें पहले जेड के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे भी लिखा जाता है इस चीज को, ठीक है, लिखने का तरीका ये, माइनस ये भी देखो डेल टू फाई जेड के रिस्पेक्ट में पहले वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस जे केप इसको भी लिख सकते हैं डेल टू फाई डेल एक्स डेल जेड, माइनस डेल टू फाई डेल जेड डेल एक्स प्लस के केप डेल टू फाई
डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई डेल वाई डेल एक्स। अब एक चीज समझना, क्या है ये सारे टर्म, क्या है यहां पे फाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है पहले जेड के रिस्पेक्ट में फिर वाई के में, यहां पे पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड के रिस्पेक्ट में, ये चीज है। अब देखो एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, तो स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इनके लिए एक चीज ये है कि आप पहले फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो या फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करो, तो सेम ही चीज आती है। मतलब आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वाई के रिस्पेक्ट में करोगे या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर लो, सेम ही चीज आएगी। ये कब होता है, जब एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते, स्वतंत्र चर होते ना, तभी ये पॉसिबल है। और यहां पे हम लोग स्वतंत्र चर ही मानते हैं इनको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही मानते हैं। एक्स वाई एवं जेड स्वतंत्र चर है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर है एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो इनके लिए क्या होता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, ये चीज आप पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करके फिर x के रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में करके फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो, सेम ही चीज है ये, तो ये सेम ही चीज है। तो आप यहां पे फाई का करो या किसका, तो ये किसी भी वेरिएबल के लिए, जैसे एक्स वाई के लिए तो एक्स जेड के लिए भी होगा, फिर जेड वाई के लिए भी होगा, सबके लिए ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया कि पहले y के रिस्पेक्ट में करके फिर z में करो या फिर z के रिस्पेक्ट में करके फिर y के रिस्पेक्ट में करो, एक ही बात है। यहाँ पे भी देखो x के रिस्पेक्ट में फिर z के में, तो z या x तो एक ही चीज़ है। यहाँ पे पहले x में फिर y में किया, पहले y में फिर x में किया, यहाँ पे तो एक ही बात है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, जीरो आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, जीरो, सिंस ये होता है तो इसलिए ये जीरो हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आ गया अपने पास में, जीरो आ गया। ग्रेडियंट फाई का कर्ल क्या आ गया, मतलब ये हो गया कि डेल वेक्टर क्रॉस ग्रेड ऑफ फाई ये जीरो हो गया, हो गया प्रूव। चलो प्रूव करने के बाद में आप लिख भी सकते हो, अतः किसी ग्रेडियंट का कर्ल जीरो होता है, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट विल बी जीरो, ये चीज मिल गया भैया अपने को, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, प्रूव हो गया, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई, एक इसी टाइप की एक और चीज है, उसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ये ग्रेडियंट का कर्ल मिल गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। एक और चीज फाइंड आउट करें, चलो ये तो मिल गया, सिंपल सा ही तो है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक लॉजिक काम में आ रहा है कि ये चीज होती है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्वतंत्र चरों के लिए ये रूल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और होता है ऐसा है कि कर्ल ऑफ, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, एक और ऐसा है, लिख लीजिए किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस, किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस, किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है। इंग्लिश में लिखिए, द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज जीरो ऑलवेज, इज जीरो ऑलवेज, ठीक है। क्या है इसका मतलब, यह है कि कर्ल लेना है पहले, तो कर्ल किसका, एक ए वेक्टर का, सदिश क्षेत्र का ही होगा, इसका डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस ले लो, ये लो, ये क्या होगा, जीरो होगा, कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है।
इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कर्ल को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का कर्ल ऐसे होता है ना, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको ये ए वेक्टर का कर्ल, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में, इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। और इधर क्या लिखना, डाइवर्जेंस, किसी भी चीज़ का डाइवर्जेंस लेना हो तो डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं, इसका जैसे ए वेक्टर का, जैसे बी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना तो डाइवर्जेंस होता है डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डाइवर्जेंस होता है। मुझे बी वेक्टर की जगह मेरे पास में इस पूरे का डाइवर्जेंस लेना है तो डाइवर्जेंस का मतलब होगा डेल वेक्टर डॉट ये, तो ये आ जाएगा डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये जीरो। तो इन तीनों फॉर्म का मतलब एक ही है, जो स्टेटमेंट लिखवाया उसका और इन तीनों फॉर्म्स का मतलब एक ही है। आपको वो स्टेटमेंट से ये पता करना आना चाहिए, इसका मीनिंग समझ में आके आपको स्टेटमेंट देना आना चाहिए, सेम ही चीज है ना। चलो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, करें, चलो भैया कर लेते हैं सॉल्यूशन। ऐसा है, कैसा है, मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो ए वेक्टर मान लेते हैं, लेट माना ए वेक्टर है कोई, ए वेक्टर ऐसा होगा ए एक्स आई केप ए वाई जे केप ए जेड के केप, ऐसे होगा घटकों के रूप में, तो ऐसा होता है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो कोई भी वेक्टर होता है इस तरीके से होता है, इसका एक्स घटक आ जाएगा, वाई कंपोनेंट, फिर जेड कंपोनेंट, ठीक है, ए वेक्टर आ गया। इसका सबसे पहले हम लोग कर्ल कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इतना कैलकुलेट कर लो, फिर जो आए हुए उसका डेल वेक्टर डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेना। तो हम लोग पहले कर्ल कैलकुलेट करें, कर्ल के लिए देखो इसमें ऐसा आएगा आई केप जे केप के केप, पहले डेल वेक्टर वाले लिख दो, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, फिर ए वेक्टर वाले लिख दो, ए वेक्टर वाले आएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो जो भी आ रहा है, आई केप, आई केप में आएगा ये ए जेड का डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में माइनस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ए वाई का, ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, माइनस जे केप, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में ए जेड का होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ए जेड का होगा माइनस ए एक्स का होगा जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में होगा ए एक्स का, प्लस के केप, के केप, तो इसमें देखिए ए वाई का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ए वाई का माइनस ए एक्स का होगा वाई के रिस्पेक्ट में, ए एक्स का होगा वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है क्या, ये मिल गया। अब ये जो भी कर्ल मिला इसका मुझे क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस, कर्ल तो मिल गया मुझे, ये तो मिल गया, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते, चलिए ये पॉज करके कॉपी कर लेना पहले ये, ठीक है। तो मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है किसका, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल वेक्टर कैलकुलेट करना है किसका, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो ये है ही अपने पास में, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, तो डेल वेक्टर, ये डाइवर्जेंस, ये डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना है यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये है, ये मतलब कोई वेक्टर आ गया है, मुझे इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके डाइवर्जेंस के लिए क्या करेंगे आप, डेल वेक्टर का वैल्यू रखो, डेल वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, ये तो डेल वेक्टर का वैल्यू आएगा, बाकी का ये जो आएगा वो रखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू है, ठीक है, ये आ गया, डेल वेक्टर का वैल्यू रख दिया, ये जो है वो यहाँ पे रख दिया। अब देखिए
डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा, तो आई केप वाला आई केप वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, जे केप वाला जे केप वाले के साथ में, के केप वाले के साथ में। तो करिए भैया, ये होगा डेल बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका सारेगा ये, तो इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका तो होगा डेल ए जेड बाई डेल एक्स, डेल वाई सॉरी, फिर इसका होगा तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा किसका, इसका इस टर्म का डेल ए बाई डेल जेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट में डेल बाई डेल वाई, जे जे केप वाला जे केप वाले के साथ में, तो इसका इसके साथ में रहेगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो देखो इसमें एक माइनस साइन है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा डेल ए जेड का डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और फिर इसका होगा, ठीक है। तो देखो ये तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये डेल बाई डेल वाई डेल ए एक्स बाई डेल जेड, ठीक है, प्लस ये डेल बाई डेल जेड वाला के केप वाले के साथ में, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों का, इन दोनों का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल जेड का डेल ए एक्स बाई डेल वाई, ये मिल गया। अब आगे देखिए, इसमें वो उसी टाइप की चीज होगी, देखो ये टू टाइम्स डिफरेंशिएशन है ए जेड का डेल एक्स डेल वाई, जैसे पहले वाले में बताया था डिफरेंशिएशन, यहां पे देखिए डेल टू ए वाई डेल एक्स डेल जेड, यहां पे डेल टू ए जेड का डिफरेंशिएशन होगा डेल वाई डेल एक्स, यहां पे प्लस डेल टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है डेल वाई डेल जेड, प्लस डेल टू ए वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है डेल जेड डेल एक्स, माइनस डेल टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है डेल जेड डेल वाई, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाता तो कैंसिल आउट कर दो, वैसे तो जीरो हो रहा तो कैंसिल आउट तो होगा ही होगा। अब देखिए ए जेड का डिफरेंशिएशन है, ये ए जेड का, ए जेड का डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि x, y और z इंडिपेंडेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट में करके फिर y के रिस्पेक्ट में करो, ये पहले y के रिस्पेक्ट में करके फिर x के रिस्पेक्ट में करो, एक सेम ही चीज होती है जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो तभी, हमेशा नहीं, ठीक है। और यहां पर तो हम लोग ये मानते हैं, ये सेम चीज देखो यहां पर ए वाई का और ए वाई का, तो ये माइनस का वो प्लस का, ये पहले जेड के फिर एक्स के, यहां पर पहले एक्स के फिर जेड के रिस्पेक्ट में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम चीज ये देखो, ये पहले जेड के फिर वाई के फिर पहले वाई के फिर जेड के, तो एक्स का डिफरेंस ये भी कैंसिल आउट होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस आ गया अपने पास में कर्ल का, और ये आ गया अपने पास में जीरो आ गया, मतलब डेल वेक्टर सॉरी डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये क्या मिल गया अपने को, जीरो मिल गया, क्लियर है क्या ये, अरे ठीक है ना। तो ये चीज हो गई भैया, ये न्यूमेरिकल भी हो गया, कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल और करेंगे। देखो हर एक जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आए हुए भी हैं और आते भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स को इसमें जो भी न्यूमेरिकल है इनकी खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी डाउट नहीं रहे, फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, अब 5 मिनट बचे हैं, तो इसमें हम न्यूमेरिकल कर भी नहीं पाएंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, डिफरेंट टाइप के और भी करेंगे, अभी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, 2-3 लेक्चर और आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, क्लियर। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके।